मैं आज आपको एक नई ऐप जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें, या लिखें आप HPSEBL। सबसे ऊपर आपको ऐप दिखाई दे रही है, इसे डाउनलोड कर लें। बहुत ही बढ़िया नई ऐप बनाई है ये। डाउनलोड करने के बाद ओपन में क्लिक करें। फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अपना नेम, मोबाइल नंबर लिख करके एक एम पिन 4 डिजिट की रखेंगे, कोई भी नंबर जैसे एटीएम पिन होता है, और आगे उसे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और एम पिन डाल करके लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना मीटर जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। नीचे ऐड के लिए बटन बना है। यहाँ 12 डिजिट कंज्यूमर आईडी जो है आपके बिल की वो एंटर करें। पुराने बिल से बड़ी इजीली मिल जाएगी आपको। रजिस्टर करने के बाद आपको स्क्रीन पर ऐसे ही आपका नाम और वो अकाउंट दिखाई देगा। आप दो तीन जितने मर्जी चाहे अपने अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दोनों नंबर में मुझे नो ड्यू दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों की करंट पेमेंट जो है बिल की हो चुकी है। किसी एक पर क्लिक करने पर आपको बिल हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की या यूनिट्स, वो पूरी आपको डिटेल ग्राफ के रूप में यहाँ मिल जाएगी। अभी देखिए मैं बिल हिस्ट्री में क्लिक कर रहा हूँ। पूरे पिछले 5-6 महीनों के बिल, पूरे 6 महीनों के बिल जो पिछले दिखाई दे रहे हैं, उनकी पेमेंट कब की थी वो पेमेंट हिस्ट्री से मिल जाएगा आपको। किस महीने में या किस बिल में आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की थी वो आपको एक चार्ट के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी, कंज्यूम हिस्ट्री में। आप एडवांस बिल भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पे एडवांस या आपने कोई बिल देना हो उसके लिए कैसे पेमेंट करेंगे, मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, जब आप बिल देंगे तो भी ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। कंटिन्यू पे क्लिक करें। एक आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू, देखिए यहाँ पर आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, कार्ड नंबर, होल्डर नेम, बाकी जो ऑप्शन है डाल करके बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक ऐप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।